नमस्कार साथियों, मैं यशवीर सिंह एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपनी सामान्य धन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और 100% आपको मेरे द्वारा पढ़ाए हुए आधुनिक भारत का बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और मेरा ऐसा कहना है आप लोगों से कि अगर आप लोग प्रॉपर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, क्योंकि ये मेरा वादा है कि मैं आपको कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत को पूरा पूरी तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया है इसको लास्ट तक ले जाएंगे और आधुनिक भारत में भारत की आज़ादी के पश्चात तक को हम इसको पूरा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिससे कि हम बेहतर तरीके से आप अच्छी से तैयारी कर सकें। क्लियर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध है। आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है क्योंकि लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे प्रथम आंगल मैसूर युद्ध को हम लोगों ने पढ़ा था और आज हमारा द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको तरीका हमारा वही रहेगा बच्चों, सबसे पहला हम पढ़ेंगे कारण युद्ध के, तो इसके बहुत सारे कारण थे। ठीक है, दूसरा जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा युद्ध का विस्तार, युद्ध का विस्तार जानेंगे युद्ध की पूरी कहानी कैसे क्या हुआ था। और तीसरा पढ़ेंगे बच्चों हम समाप्ति, युद्ध की समाप्ति। ठीक है, और तीसरा रहेगा युद्ध की समाप्ति। तो और आप जानते हो युद्ध की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी, इसकी मंगलौर की संधि के द्वारा, मंगलौर की ट्रीटी हुई थी, मंगलौर की संधि हुई थी बच्चों, इसके द्वारा इसकी समाप्ति हुई थी। ठीक है, तो तीन स्टेप में आज हम युद्ध पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कारण को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इस युद्ध के बारे में, उनको एक बार देख लेते हैं फिर उसके बाद हम पुनः स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर लौटेंगे हम कारणों पर। तो कुछ बेसिक बातें जैसे कि मैं आपको बताऊँ, पहला अगर आपसे पूछे कि इस समय बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर कौन था, है ना, ब्रिटिश गवर्नर कहाँ पर बच्चों, बंगाल में ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा 80-84 की बात चल रही तो आप जानते हो इस समय कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स था। आपसे पूछे इस समय हैदराबाद का नवाब कौन था, हैदराबाद का निजाम, तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा निजाम अली, कौन था उस समय, निजाम अली था। और बच्चों आपसे पूछे कर्नाटक का नवाब कौन था, कर्नाटक का नवाब, तो इस समय आपका था मोहम्मद अली। ठीक है, और आपसे पूछे इस समय मराठा पेशवा कौन था, तो मराठा पेशवा जो था बच्चों वो माधव राव सेकंड, पिछले वाले में फर्स्ट था, उसकी मृत्यु हो जाती है 72 में। ठीक है, 72 में, उसके बाद माधव राव सेकंड, या इसका दूसरा नाम है नारायण राव, इसका वास्तविक नाम नारायण राव था लेकिन माधव राव सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठा था। ठीक है, आगे और आपसे पूछे मैसूर में कौन था इस युद्ध के दौरान, तो आप जानते हो मैसूर में कौन था, हैदर अली था। और हैदर अली की जब मृत्यु हुई थी इस युद्ध में, ठीक है, तो उसके बाद टीपू सुल्तान। ठीक है, तो ये लोग थे जो अब हमें पढ़ने हैं। तो ब्रिटिश गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, हैदराबाद निजाम अली, ठीक है, कर्नाटक में मोहम्मद अली था, मराठा माधव राव सेकंड नारायण राव था, या इसको ये भी कहते हैं, और मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान थे। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं कारणों पर, क्योंकि ये सब जो नाम है आपको बार बार सुनने को मिलेंगे, ये सब इर्द गिर्द रही कहानी इसकी हमारे पास। ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों हम कारण को, सबसे पहले कि क्या कारण थे जिनकी वजह से क्या हुआ था ये युद्ध हमारा हुआ था। क्लियर, तो बढ़िया से समझाता हूँ मैं भी और आपको भी बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, और समझ में आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस बात को, है ना, कितना अच्छा समझ में आया। क्लियर, तो कारण और कारण में सबसे पहला कारण बात करते हैं, तो सबसे पहला जो बच्चों कारण था वो था मद्रास की संधि का उल्लंघन। ठीक है, ये सबसे प्रमुख कारण था मद्रास की संधि का उल्लंघन। तो बात आती है संधि का उल्लंघन किया किसने था, तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि 1769 में एक संधि हुई थी बच्चों, मद्रास की संधि, और उस मद्रास की संधि के द्वारा, है ना, एक युद्ध की समाप्ति हुई थी। कौन सा युद्ध था बच्चों, तो आंगल मैसूर युद्ध प्रथम वाला, वो इस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और इस संधि में एक शर्त थी, वो ये थी कि इन फ्यूचर कभी भी, है ना, मैसूर राज्य पर अगर कोई भी बाह्य व्यक्ति आक्रमण करता है तो सहायता कौन करेगा, अंग्रेज सहायता करेंगे। ठीक है, और हुआ क्या था ये भी मैंने आपको बताया था कि 1764, 1766 और 1771 इन तीन वर्षों में
मराठा पेशवा माधवराव फर्स्ट के समय मैसूर राज्य पर 3 आक्रमण हुए थे, और ये जो 1771 का आक्रमण है ये बच्चों मद्रास की संधि के पश्चात ही हुआ था, ठीक है। ये संधि कब हुई थी? 1769 में, और ये अटैक कब हुआ है? 1771 में। तो सीधी सी बात है, जब मराठों ने मैसूर राज्य पर अटैक किया तो सहायता किसको करनी थी? अंग्रेजों को। लेकिन बच्चों अंग्रेजों ने सहायता नहीं की, तो सीधा सा मतलब हो गया कि अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन कर दिया। तो एक पहला कारण तो यह हुआ, ठीक है, जो इस युद्ध का पहला कारण था। चलो दूसरा बात करें तो देखो, दूसरा कारण क्या था, सेकंड कारण की बात करें तो सेकंड कारण बच्चों ये था कि माहे पर अंग्रेजों का अधिकार। मैं इसको डायग्राम ले लेता हूँ, है ना, डायग्राम होना बहुत जरूरी है। इसको डायग्राम कहाँ लें? चलो अभी कारण बताने के बाद दोबारा चलो ले लेते हैं डायग्राम, इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ डायग्राम ले लेते हैं, छोटा सा डायग्राम बन जाएगा, उसको यहाँ समझ लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चों केरला यहाँ पर इस प्रकार से केरला है वर्तमान में, और केरल के एकदम ऊपर कोई यहाँ पर, यहाँ बच्चों माहे है, वर्तमान की बात कर रहा हूँ मैं, ये माहे है। माहे वर्तमान में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है ना, पांडिचेरी पुडुचेरी जिसे बोलते हैं, उसका एक जिला है, ठीक है। अब जानते हैं 4 जिले उसमें आते हैं, तो ठीक है, उसमें से एक जिला कौन सा है? माहे। तो ये माहे क्या था? अब इस माहे की बात करें, माहे पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब माहे था क्या? तो माहे बच्चों इस समय फ्रांसीसी बस्ती थी। क्या थी? फ्रांसीसी बस्ती थी, और ये बंदरगाह भी था उस समय। और ये माहे किसके राज्य में आता था बच्चों उस समय? उस समय हैदर अली के राज्य में आता, ठीक है। अब माहे पर अधिकार करा किसने? अंग्रेजों ने, उसको जीत लिया। बस्ती किसकी थी? फ्रांसीसी की। माहे किसके राज्य क्षेत्र में आता था? हैदर अली के। अब दो बात समझना, पहली बात फ्रांसीसी किसके दोस्त हैं? हैदर अली के, और दूसरा हैदर अली के राज्य माहे था। अगर अंग्रेज इस पर आक्रमण किए थे, इसको जीता था, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली किस पर इंडिकेशन था उन लोगों का कि सीधे हैदर अली को अटैक करना था। क्यों? फ्रांसीसी दोस्त किसके हैं? हैदर अली के। तो उसके दोस्त पर आक्रमण करना, सीधी सी बात है हैदर अली पर आक्रमण करना, और उसके राज्य के किसी क्षेत्र पर अटैक करना, तो सीधी सी बात है हैदर अली पर अटैक करना, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह थी, इस पर जो अटैक करने का एक और कारण था, कारण ये था बच्चों कि दिक्कत कहाँ हुई थी? दिक्कत ये हुई थी कि ये जो माहे था, यहाँ माहे जो था केरला में, तो यहाँ माहे पे क्या होता था कि जितना भी हैदर अली की सेना को जितनी भी आवश्यक वस्तुएँ होती थीं और जो विदेशों से आती थीं, वो सारी की सारी वस्तुएँ कहाँ? माहे में उतार दी जाती थीं, और यहाँ से सैनिक आपूर्ति की जितनी वस्तु होती वो सारी के सारी सेना में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी। तो दिक्कत ये हुई कि जब माहे पर अंग्रेजों ने अधिकार किया तो हैदर अली की सेना को दिक्कत होने लगी, और जो आवश्यक वस्तुएं थीं उन आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति नहीं हो पा रही थी, जिससे एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई हैदर अली के सामने। क्लियर यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो तीसरा कारण बात करें हम, और क्या कारण था इसको रफ कर लेते हैं, पता नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है कारण, तीसरा यहाँ समझते हैं ऊपर, इसको रफ करते हैं, दोबारा बना दूंगा डायग्राम, एक बार फिर डायग्राम बन जाएगा, क्लियर। तीसरा कारण बच्चों ये था कि एक त्रिगुट बना था, त्रिगुट की स्थापना, इसको समझना त्रिगुट की स्थापना को अच्छे से। त्रिगुट का मतलब हो गया तीन गुट, तीन शक्ति मिलकर के एक गुट बनाई थी, त्रिगुट कहलाया। कौन कौन था उसमें? तो बच्चे उसमें एक था मराठा, एक कौन थे? मराठा थे। दूसरा कौन था बच्चों? दूसरा बात था हैदराबाद का निजाम, तो सीधा निजाम लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, निजाम। और तीसरा कौन था बच्चों? तीसरा था हैदर अली। इन तीनों ने मिलकर के एक त्रिगुट बनाया, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। क्यों बनाया? अंग्रेजों के लड़ने के लिए बनाया, सीधी सी बात है। अब बात आती है कि हैदर अली का उद्देश्य तो था, वो क्यों शामिल हुआ था इस गुट में, लेकिन निजाम और मराठे क्यों शामिल हुए, ये बात समझने वाली बात है, ठीक है। तो देखो हुआ क्या, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कारण जब मैं आपको पढ़ा रहा था, कारण मैंने बताया था कि अंग्रेजों ने निजाम से एक वादा किया था बालाघाट वर्तमान में मध्य प्रदेश, कि बालाघाट को अगर अंग्रेज जीत लेते हैं
तो उसके बदले में 7 लाख रुपए देकर के अंग्रेज किसको, निजाम को दीवानी अधिकार प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या करा, बालाघाट को जीत लिया लेकिन 7 लाख रुपए निजाम को नहीं दिए। इस बात से बच्चों निजाम क्या था, नाराज था। किससे, अंग्रेजों से। तो इसलिए निजाम सहमत हो गया हैदर अली के साथ आने को। दूसरी बात, मराठे क्यों शामिल हुए, तो मराठे इसलिए शामिल हुए थे बच्चों कि जो हम पढ़ रहे हैं 80 से 84, तो इस समय 1775 से 1772 तक, सॉरी 82 तक एक युद्ध हुआ था, आंगल मराठा प्रथम युद्ध या प्रथम आंगल मराठा युद्ध इस समय चल रहा था। अर्थात अंग्रेजों का मराठों से इस समय एक युद्ध चल रहा था, इसी दौरान जब ये सेकंड मैसूर युद्ध शुरू होने वाला था। तो मराठे इसके कारण अंग्रेजों से नाराज थे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते, अंग्रेज बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे थे कहाँ पर, मराठों के अपने इंटरनल मामलों में। तो युद्ध छिड़ गया था, तो मराठे चाह भी रहे थे कि उनको साथ मिले, तो हैदर अली ने उनको मौका दिया और साथ में मराठे किसके आ गए, हैदर अली के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए त्रिगुट की स्थापना हो गई थी। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चौथा कारण क्या था, अब चौथा कारण समझें। तो बच्चों चौथा कारण देखो, चौथा कारण ये था कि आप जानते हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में एक देश है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसे आप शॉर्ट में अमेरिका बोलते हो। ठीक है, तो अमेरिका में क्या हुआ था, इसी दौरान अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या हो गया, प्रारंभ हो गया था। क्या प्रारंभ हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम बच्चों प्रारंभ हो गया था। और इस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांसीसी लोगों ने, या फ्रांसीसियों ने क्या करा था, जो अमेरिका की जनता थी, लोकल जनता थी, उसको सपोर्ट करा। और किसके खिलाफ सपोर्ट करा, अंग्रेजों के खिलाफ। ये तो आप जानते ही होंगे कि अंग्रेजों का गुलाम रहा था कौन, आपका अमेरिका। तो जब वहाँ पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई, तो फ्रांसीसियों ने सपोर्ट करा किसको, अमेरिका की लोकल जनता को। किसके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। तो वहाँ पर हुआ क्या, फ्रांसीसी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना प्रारंभ कर दिया अमेरिका में, तो उसका प्रभाव कहाँ हुआ बच्चों, भारत में भी। तो हैदर अली और क्या कहते हैं आपके फ्रांसीसी की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। इस बात का अंदाज़ा था वॉरेन हेस्टिंग्स को कि जब फ्रांसीसी अमेरिका में हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो 100% हैदर अली के साथ मिलकर ये फ्रांसीसी क्या करेंगे, मतलब हमारे खिलाफ यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बना रहे होंगे। इसलिए उनकी दोस्ती पर संदेह हो गया और वो लगातार संदेह बनाए हुआ था और मौके की तलाश में था कि इसको क्या करा जाए, हैदर अली को हरा करके इसके राज्य को नष्ट किया जाए। क्लियर बच्चों, तो ये कुछ कारण थे इस युद्ध के। यहाँ तक मैं सोचता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो इन सब कारणों की स्थिति में क्या हुआ था बच्चों, युद्ध हुआ था कौन सा आपका, द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कारण। अब बच्चों मैं बात करता हूँ आपसे युद्ध की, युद्ध का विस्तार। अब बात करेंगे हम युद्ध पर, युद्ध का विस्तार कैसे क्या हुआ था। क्लियर, अब ये हमारा टॉपिक समझने वाला है, युद्ध का विस्तार कैसे क्या हुआ था। ठीक है, इसको समझें अब। तो देखो अब हुआ क्या, ये सब एक साथ आ गए, नवाब एक साथ है, नवाब साथ में था, मराठा साथ में था, हैदर अली साथ में था, और फ्रांसीसियों का भी पूरा क्या मिल रहा था बच्चों, सपोर्ट मिल रहा था हैदर अली को। ठीक है, अब ये सब शक्तियाँ एक साथ आ गईं, तो हैदर अली की स्थिति क्या होगी, मजबूत हो गई। और हैदर अली कहीं ना कहीं बदला लेने को तैयार था तुरंत किससे, अंग्रेजों से। तो हुआ क्या, अब उसने एक कार्य किया। अब मैं डायग्राम लेता हूँ, ठीक है, अब इस डायग्राम को हमारी आवश्यकता पड़ेगी बार बार हमें। ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पर बच्चों आपका वर्तमान मद्रास, यहाँ पर क्या बच्चों आपका मद्रास, या कहें तो हम इसको वर्तमान का चेन्नई। क्लियर, और यहाँ पर है बच्चों पौंडीचेरी या पुडुचेरी जैसे आप बोलते हो। क्लियर, मद्रास ये पौंडीचेरी है। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, मद्रास से इधर को कुछ दूरी पर है ना, यहाँ पर एक जगह है और उसका नाम है बच्चों अर्काट, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये इसका नाम है अर्काट, और आप अर्काट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, बता चुका हूँ अर्काट क्या है। तो बच्चों अर्काट क्या है, अर्काट जो है आपकी कर्नाटक राज्य जो समय था उसकी राजधानी अर्काट हुआ करती थी। क्लियर, कर्नाटक राज्य का डायग्राम प्रीवियस वीडियो में जब मैंने आपको कर्नाटक युद्ध पढ़ाए हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से डायग्राम बनाए हुए हैं।
तो अर्काट किसकी राजधानी थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी थी। क्लियर। इधर यहाँ पर मद्रास से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास या 75 के आसपास में कुछ दूरी पर है। ठीक है, तो अर्काट यहाँ पर है। अब हुआ क्या, जब अब यहाँ पर क्या बच्चों आपका मैसूर, अगर यहाँ केरला को ले लेते हैं हम इस प्रकार से, यहाँ केरला ले लो और वर्तमान के दृष्टि से देखें तो यहाँ पर लगभग आपको तमिलनाडु बनेगा, तो यहाँ पर बच्चों आपका मैसूर है, यहाँ बच्चों आपका मैसूर। क्लियर। तो अब ये सब शक्ति एक साथ आ गई। अब क्या करा इसने, क्या कहते हैं आपके हैदर अली ने, हैदर अली ने एक सेना लेकर के अर्काट पर चढ़ाई कर दी, अर्काट का घेरा डाल दिया। और अर्काट का जो नवाब था यानी कर्नाटक का जो नवाब था मोहम्मद अली, वो भाग करके कहाँ पहुँचा बच्चों? मद्रास। वो कहाँ पहुँचा बच्चों? पहुँचा मद्रास, यहाँ यहाँ मद्रास पहुँचा। ठीक है, उसने जा करके पूरी कहानी बताई किसको? अंग्रेजों को, क्योंकि कर्नाटक जो था मित्र था किसका? अंग्रेजों का। और ये मित्र कैसे बना कर्नाटक के युद्ध में, मैं आपको बहुत विस्तार से इन चीज़ों को बता चुका हूँ। ठीक है, हैदराबाद कैसे मित्र बना था, कैसे उसके दबाव में आ गया था हैदराबाद राज्य, किस प्रकार से कर्नाटक का राज्य दबाव में आया था, सब बता चुका हूँ आपको बहुत बढ़िया से। तो अब हुआ क्या बच्चों, अर्काट पर जब घेरा डाला हैदर अली ने, तो ये भाग करके कहाँ पहुँचा बच्चों? मद्रास पहुँचा, चेन्नई पहुँचा। ठीक है, वर्तमान का चेन्नई। और वहाँ जाकर के इसने अंग्रेज़ों को पूरी कहानी बताई, क्योंकि दोस्त था, सीधी सी बात है, अब दोस्त की हेल्प तो करनी बनती है। और हैदर अली अगर यहाँ तक पहुँच गया अर्काट तक, तो कल वो कहाँ तक पहुँचेगा? मद्रास। और मद्रास पहुँचा तो किसको हरा देगा? अंग्रेज़ों को। डर तो उन्हें भी था। तो बच्चों उन्होंने क्या करा, अंग्रेज़ों ने दो सेना तैयार की, एक यहाँ पर है बच्चों आपका गुंटूर, है ना, यहाँ क्या बच्चों आपका आंध्र प्रदेश में गुंटूर, तो ये है आपका बच्चों गुंटूर, यहाँ गुंटूर, और ये आपका मद्रास, और ये आपका मैसूर। क्लियर। अब हुआ क्या, गुंटूर से एक सेना चली, उसका सेना का नेतृत्व करता था कर्नल वैली। कर्नल वैली कहाँ से चला सेना लेकर के? गुंटूर से। गुंटूर वर्तमान में कहाँ पर बच्चों? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। और एक सेना चली आपका मद्रास से, और जिसका नेतृत्व किसने करा था बच्चों? उसका नेतृत्व हेक्टर, हेक्टर मुनरो। तो दो सेना चली, एक कर्नल वैली के नेतृत्व में और एक हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। ठीक है, ये चली गुंटूर से और ये चली बच्चों कहाँ से? मद्रास से। ठीक है, ये दोनों ही सेना किसके खिलाफ चली थी? हैदर अली के खिलाफ। कहाँ के लिए? अर्काट का घेरा डाले हुआ था यहाँ पर हैदर अली, यहाँ पर सेना दोनों आ रही थी। ठीक है, हैदर अली ने क्या करा बच्चों, इन दोनों सेनाओं को आपस में मिलने नहीं दिया, और उससे पहले ही आगे बढ़ के थोड़ा सा किसको? कर्नल वैली से लड़ पड़ा, उसे जाकर के युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, तो इसी दौरान एक युद्ध हुआ और इस युद्ध का नाम है अरंदीका युद्ध। क्लियर, अरंदीका युद्ध। तो बच्चों युद्ध हुआ था अब अरंदीका युद्ध। अब आपसे पूछे कि किसके मध्य हुआ था, तो आप कर्नल बैली प्लस हैदर, और इसको पूरा समझाओ आप, हैदर ने लिखा है। कर्नल वैली ऑप्शन ना हो तो आपका अंग्रेज। क्लियर बच्चों, ये क्या हो गया? पराजित। कर्नल वैली क्या हुआ बच्चों? पराजित हुआ। और ये पराजित हुआ तो हेक्टर मुनरो आ रहा था कहाँ से? मद्रास से सेना लेकर के। और जब उसको समाचार मिला कि कर्नल वैली पराजित हो गया, तो उसने क्या करा, एक तालाब था, उस तालाब में जितने भी हथियार वगैरह जो कुछ गोला बारूद था सब, उस हथियार वगैरह उस गोला बारूद सब तालाब में डाला और वहाँ से भाग खड़ा हुआ। ठीक है, इस प्रकार से इसने कर्नल वैली को पराजित किया, हेक्टर मुनरो वैसे भाग गया, तो अर्काट पे क्या हो गया बच्चों? इसका कब्जा हो गया। एक प्रकार से कहा जाए तो कर्नाटक राज्य पे लगभग इसने हैदर अली ने क्या करा, उसका अधिकार कर लिया, और कर्नाटक राज्य किसकी मुट्ठी में आ गया? हैदर अली की मुट्ठी में आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इस अरंदी के युद्ध में पराजित हो गए अंग्रेज, हैदर अली की क्या हो गई? विजय हो गई। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है कि अरंदी का युद्ध किस युद्ध का भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का भाग है। क्लियर, मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, अब मेरी आगे बात समझना। अब अरंदी युद्ध में पराजित होने के पश्चात अंग्रेजों के पराजय का समाचार बच्चों कहाँ पहुँचा? बंगाल पहुँचा। तो मान लो यहाँ पर, यहाँ आपका कोलकाता। ठीक है, यहाँ मैसेज पहुँचा किसके पास? वॉरेन हेस्टिंग के पास। वॉरेन हेस्टिंग्स था यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर, आपको बताया था मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही। तो जब मैसेज पहुँचा किसके पास? वॉरेन हेस्टिंग्स के पास। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने तीन कार्य करे यहाँ। कितने कार्य करे बच्चे वॉरेन हेस्टिंग्स ने? तीन कार्य करे। और तीन कार्य कौन कौन से करें तो मैं वो आपको बताता हूँ। पहला कार्य उसने ये करा, जैसे समाचार पहुँचा उसने क्या करा, आयरकूट, अंग्रेज था आयरकूट, आयरकूट के
नेतृत्व में सेना भेजी, ठीक है, किसके खिलाफ, हैदर अली के खिलाफ। आयरकोट के नेतृत्व में एक सेना भेज दी, कहाँ से, कोलकाता से आई, किसके खिलाफ आई, आपके हैदर अली के खिलाफ आई। दूसरा कार्य उसने क्या करा कि जो निजाम था, मतलब हैदराबाद, निजाम को तिरिगुट से अलग किया। और तीसरा कार्य क्या करा, मराठों को तिरिगुट से अलग किया। तो उसने बच्चे तीन कार्य करे, आयरकोट के नेतृत्व में सेना भेज दी हैदर अली के खिलाफ, पहला कार्य, निजाम को तिरिगुट से अलग कर दिया, तिरिगुट समझते हो ना, वो तीन मिलकर जो तिरिगुट बना था वो, और मराठों को भी तिरिगुट से अलग कर दिया। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे किया अलग किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये गुंटूर मैंने आपको बताया था, गुंटूर आंध्र प्रदेश में वर्तमान में है। तो निजाम को लालच दिया अंग्रेजों ने कि भाई हम तेरे लिए गुंटूर का क्षेत्र देते हैं, है ना, क्या करें, गुंटूर वाला क्षेत्र दे रहे हैं, और क्या कर तू हैदर अली से अलग हो जाओ। ये बात किसको पसंद आई, निजाम को, बोले यार मुझे तो फ्री मिल रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। तो निजाम क्या हो गया, हैदर अली से अलग हो गया, क्योंकि उसको क्या मिल गया बच्चे, गुंटूर मिला। बात समझ में आ गई। अब मराठे कैसे अलग हुए, तो मैंने आपको बताया कि प्रथम मांगल मराठा चल रहा था, है ना, 1775 से 1782 तक चला था। तो इस प्रथम मांगल मराठा युद्ध में मराठों की स्थिति क्या थी बच्चों, कमज़ोर थी, क्योंकि मराठे पहले ही 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हार चुके थे अहमद शाह अब्दाली से, जो कि एक अफगान था, उससे हार चुके थे। तो उनकी स्थिति पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, तो वो कहीं से कहीं भी ज़्यादा युद्ध को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रख रहे थे, सक्षम नहीं थे। तो वो तो चाह रहे थे मौका मिले किसी तरीके से वो युद्ध बंद हो जाए और समझौता हो जाए। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठों को एक संधि की थी आगे चल के, सालवाई की संधि, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ये बता देता हूँ, सालवाई की संधि। और बच्चों ये संधि हुई थी 1782 में हुई थी। इस संधि के द्वारा, ये संधि अपने आप में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, सालवाई की संधि महत्वपूर्ण भी है, क्यों, इसी संधि के द्वारा प्रथम आंगल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था, जो मराठों का अंग्रेज से चल रहा था वो समाप्त हुआ था। ये संधि अपने आप में बड़ी एक काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है। इस संधि के विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, अंग्रेजों को एलिफेंटा वगैरह कौन कौन से क्षेत्र मिले थे, और महाराजा सिंधिया ने किस प्रकार से इस संधि को कराने में, है ना, हेल्प की थी, मध्यस्थता की थी महाराजा सिंधिया ने। इस संधि के बारे में विस्तार से बताऊंगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मराठे, और जब मराठों में स्पेशल पढ़ाऊंगा प्रथम मांगल मराठा युद्ध, तब इसको विस्तार से। फिलहाल आप इतना जान लो कि सालवाई की संधि के द्वारा इस बात पर मोहर लग गई कि ये मराठे हैं, यहाँ मराठे अब हैदर अली की सहायता नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोहर तो लगी इस बात पर 1782 में कि हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन इसकी रूपरेखा आधार तो 1781 में ही बन गई थी, मेरी बात समझ गए। यानी कि जैसे ही अरंदी के युद्ध में पराजित हुए कौन, अंग्रेज, तभी ये कार्य करने शुरू कर दिए थे किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इसका परिणाम जो हुआ था वो ये हुआ कि निजाम भी अलग हो गया बच्चों, मराठे भी क्या हो गए, अलग हो गए। अब निजाम का जो हैदर अली का तिरिगुट था वो क्या हो गया बच्चों, टूट गया, ठीक है। और तिरिगुट टूटने के पश्चात 100% ऑफ स्वाभाविक सी बात है कि हैदर अली कमज़ोर पड़ गया होगा, लेकिन अभी भी उसके साथ कौन थे, फ्रांसीसी अभी भी उसके साथ थे, और वो लगातार उसकी हेल्प अभी भी कर रहे थे। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब बच्चों आयरकोट चला आ रहा है कहाँ से, आपका हैदर अली खिलाफ लड़ने के लिए बंगाल से। अब मैं बात करता हूँ आयरकोट की, क्योंकि ये दोनों अलग हो गए, अब आयरकोट की बात करते हैं, आयरकोट था, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँ, एक स्थल है यहाँ पर मद्रास, मद्रास से थोड़ा सा ऊपर को, ठीक है, एक स्थल है, इस स्थल को यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, परंगी पेत्तई, परंगी पेत्तई। और ये जो है बच्चों आपका डिस्ट्रिक्ट है कुड्डालोर, कुड्डालोर कहाँ पर है बच्चों, ये तमिलनाडु में, ठीक है। परंगी पेत्तई किस डिस्ट्रिक्ट में है, कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में है, किस राज्य के, वर्तमान की बात कर रहा हूँ, तमिलनाडु के, ठीक है। ये वर्तमान जो नाम है तो प्राचीन नाम किसका है बच्चों, सॉरी, ये एक आपने सुना होगा पोर्टोनोवा, पोर्टोनोवा, मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पोर्टोनोवा का युद्ध, क्योंकि आयरकोट जो उधर से आ रहा था तो पोर्टोनोवा का युद्ध हुआ था हैदर अली के और आयरकोट के मध्य।
तो मैं आपको पोर्टोनोवा बताना चाहूँ कि पोर्टोनोवा है कहाँ, ठीक है। तो मद्रास के ऊपर के लिए वर्तमान में एक शहर है परंगीपेत्तई, परंगीपेत्तई जो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है बच्चों, कुड्डालोर डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पर आता है, तमिलनाडु में आता है। और इसका प्राचीन नाम था पोर्टोनोवा, यानी कि पोर्टोनोवा को वर्तमान में परंगीपेत्तई कहा जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पोर्टोनोवा का युद्ध, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप समझ गए ये डायग्राम यहाँ से आ रहा है, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ या इसको लिखा रहने तो परंगीपेत्तई, ठीक है। तो बच्चों अब मैं आपको पढ़ेंगे पोर्टोनोवा का युद्ध, पोर्टोनोवा का युद्ध। तो आपसे पूछे युद्ध कब हुआ था, तो आप सीधा सा आंसर नवंबर 1781, नवंबर 1781 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था बच्चों, तो कौन था, आयरकूट था उधर से, आयरकूट ये अंग्रेज था, और दूसरा कौन था बच्चों, हैदर अली था, ठीक है, हैदर अली, मेरी बात समझ गए। तो वर्तमान का परंगीपेत्तई ही प्राचीन क्या था आपका, पोर्टोनोवा था, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, आयरकूट के मध्य और हैदर अली के मध्य बच्चों क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो था हैदर अली बच्चों क्या हो गया, हैदर अली पराजित हुआ, पराजित तो हुआ ही हुआ, साथ में अत्यधिक घायल भी हो गया, अत्यधिक बच्चों क्या हो गया, घायल हो गया, ठीक है। क्योंकि इस युद्ध में ना तो मराठे साथ में थे और ना ही निजाम साथ में था, ठीक है। आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि संधि तो हुई है 1782 में सालवाई की संधि, मराठे यहाँ अलग कैसे हो गए पहले ही, तो मैं आपको बता दूं कि मोहर जो लगी थी उस बात पर कि अलग उसका साथ नहीं देंगे वो 1782 में, लेकिन आधार रेखा तो उसकी पहले ही बनी जा चुकी थी, पहले ही सहमति हो गई थी अनौपचारिक रूप से, तो मराठे सपोर्ट में नहीं थे यहाँ पर, ठीक है। तो हुआ क्या, हैदर अली बच्चों पराजित हो गया, और पराजित होने के पश्चात यहाँ पर क्या हो गया, घायल हो गया, ठीक है, और युद्ध फिर क्या हो गया, समाप्त हुआ। और ये युद्ध, इस युद्ध का निर्णायक युद्ध था, क्यों, क्योंकि इसके घायल होने के पश्चात, पराजित हुआ बुरी तरीके से, जहाँ बढ़ रहा था एक शक्ति के रूप में, धीरे धीरे उभर के आ रहा था, क्षेत्र को विजित कर रहा था अंग्रेजों को, यहाँ पर पराजित हुआ। तो कहीं ना कहीं पराजित होने के पश्चात किसकी शक्ति का ह्रास हुआ, हैदर अली की शक्ति का ह्रास हुआ, तो ये घायल होके वापस आ गया। इधर जो आयरकूट था, आयरकूट की कुछ दिनों बाद क्या हो गया बच्चों, स्वाभाविक मृत्यु हो गई। तो इधर आयरकूट भी मारा गया, इधर हैदर अली भी घायल हो गया। और इसके युद्ध के पश्चात छोटी मोटी झड़पें क्या होती हुई थी, अंग्रेजों के और हैदर अली की सेना के बीच में चलती रही थी, और युद्ध लगातार अभी भी चल रहा था, क्योंकि बात है इस नवंबर 1781 की, और धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती रही थी, झड़पें चलती रही थी, हैदर अली प्रॉपर लड़ने नहीं जा रहा था, क्लियर, मेरी बात समझना। आगे अब हुआ क्या, एक डेट है आपको जो याद भी रखनी है, पूछी भी जा चुकी है, घायल होने के पश्चात 7 दिसंबर 1782 की बात थी, घायल होने के कारण हैदर अली की मृत्यु, ठीक है बच्चों। ये तो पोर्टोनोवा के युद्ध में घायल हो गया, और घायल होने के पश्चात 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से आप पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, पोर्टोनोवा का युद्ध किस युद्ध का भाग है, तो आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंगल मैसूर युद्ध का ही क्या है, पोर्टोनोवा युद्ध का भाग है, क्लियर। अब इसकी मृत्यु के पश्चात इसका बेटा कौन था, टीपू सुल्तान, तो सीधी सी बात है टीपू सुल्तान क्या करेगा, गद्दी संभालेगा, और टीपू सुल्तान ने गद्दी संभाली तो उसने इस युद्ध को बंद नहीं करा, सेकेंड युद्ध को बंद नहीं करा, उसने इस युद्ध को लगातार कंटिन्यू रखा, इस युद्ध को आगे बढ़ाया, क्लियर। और जब आगे बढ़ाया तो दो चार विजय भी करी थी उसने, तो 1783 में 1783 में है ना, एक जगह है बैदनोर, उसको इसने क्या करा बच्चों, जीत लिया, किसने, टीपू सुल्तान ने इसको जीत लिया। और इसको जीतने के पश्चात यहाँ पर एक जगह है मंगलौर, वर्तमान में कर्नाटक में है ये, ठीक है। तो इसको जीतने के पश्चात टीपू सुल्तान मंगलौर की ओर बढ़ने लगा, मंगलौर को जीतने के लिए, ठीक है, मंगलौर को जीतने के लिए बढ़ने लगा। तभी अंग्रेजों ने क्या करा, इसका जो राजधानी थी, जो मैसूर था, राजधानी तो खैर मैसूर राज्य की श्रीरंगपट्टनम थी, लेकिन मैसूर जो शहर था उस पर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया, क्या करा अंग्रेजों ने, अटैक कर दिया। और ये कहाँ जा रहा था, मंगलौर के लिए, ठीक है, एक तो यहाँ अटैक हो गया, दूसरी बात, अच्छी एक बात और, इसने जब उसको जीता था बैदनोर को, उसके पश्चात एक था मैथ्यूज,
मैथ्यूज एक अंग्रेज था, इसको हरा दिया था किसने? टीपू सुल्तान ने। मैथ्यूज कौन था बच्चों? अंग्रेज था, और इसको हराया था किसने? टीपू सुल्तान ने। और मैथ्यूज को बंदी भी बना लिया था किसने? टीपू सुल्तान ने। ठीक है, तो बाई चांस आपसे पूछ ले मैथ्यूज का युद्ध किससे हुआ था, तो मैथ्यूज टीपू सुल्तान से हुआ था, टीपू सुल्तान ने इसको बंदी भी बनाया था। अब बात करते हैं, वापस आते हैं, तो ये मंगलौर की ओर आगे बढ़ रहा था, और इधर अंग्रेजों ने कहाँ पर अटैक कर दिया? मैसूर पर अटैक कर दिया, उस शहर पर अटैक कर दिया। ठीक है, और ये मंगलौर की ओर आगे बढ़ रहा था, तभी बच्चों इसी दौरान क्या हुआ, एक संधि हुई, यूरोप की संधि। और यूरोप की संधि में ये हुआ कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य आपस में क्या हो गया, समझौता हो गया। और जैसे ही फ्रांसीसियों के और अंग्रेजों के मध्य में आपसी समझौता हुआ, फ्रांसीसियों ने भारत में टीपू सुल्तान का साथ छोड़ दिया। अब टीपू सुल्तान का जैसे ही साथ छोड़ा फ्रांसीसियों ने, टीपू सुल्तान क्या हो गया बच्चों? अकेला पड़ गया, क्योंकि अब वो इतना मजबूत नहीं रहा था जितने मजबूत कौन थे? अंग्रेज थे। मराठे पहले हट चुके थे, उसका साथ छोड़ चुके थे, हैदराबाद का निजाम पहले छोड़ चुका था, फ्रांसीसी जो उसके दोस्त थे, अब वो एक संधि के चलते वो भी उससे क्या हो गए, हट गए। तो अब टीपू सुल्तान बच्चों अकेला पड़ गया, और मजबूरन फिर उसको पराजय का सामना करना पड़ा। फिर जब वो मंगलौर जा रहा था, जब फ्रांसीसी ने साथ छोड़ दिया, तो उसको पराजय स्वीकार करनी पड़ी, और यह मंगलौर नामक स्थल पर एक संधि करनी पड़ी, और संधि का नाम हो गया मंगलौर की संधि। क्लियर? तो इस मंगलौर की संधि के द्वारा क्या हुआ था, कर्नाटक सॉरी अंगल मैसूर द्वितीय युद्ध बच्चों क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक समझ में आया। हाँ, लेकिन एक बात थी, इतना स्थिति कमजोर नहीं थी अभी भी उसकी, क्या कहते हैं आपका, टीपू सुल्तान की, पराजय तो हुई उसकी, संधि भी हुई, लेकिन इतनी स्थिति कमजोर नहीं थी, आगे चल के उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई थी। तो फिलहाल मंगलौर मंगलौर की संधि, सबसे पहले वर्ष तो 1784, मध्य हुई थी बच्चों, तो एक तो कौन था, टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान, और दूसरा कौन था, तो जॉर्ज मैकार्टनी, जॉर्ज मैकार्टनी। जॉर्ज मैकार्टनी कौन था बच्चों? जॉर्ज मैकार्टनी जो मद्रास है, मद्रास का गवर्नर। ठीक है, इनके मध्य हुई थी, तो ये हो गई संधि 1784 में, मध्य हुई थी टीपू सुल्तान के, जॉर्ज मैकार्टनी के। ठीक है, आपसे पूछे इसके द्वारा क्या हुआ था, तो संधि के द्वारा जो हुआ था, प्रथम अंगल सॉरी द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध बच्चों समाप्त हुआ था। मैं शर्तें बताऊँ, इसकी शर्तें क्या थी, तो गिनी चुनी शर्तें थी इसकी, समानता इसकी शर्तें थी बच्चों। तो शर्तों में पहली शर्त ये थी कि जो विजित क्षेत्र हैं एक दूसरे के, विजित क्षेत्र वापस करना, जो भी मैसूर राज्य ने यानी कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को जो क्षेत्र जीते हैं, और अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान जो क्षेत्र जीते हैं वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। ठीक है, जो भी युद्धबंदी बनाए गए हैं, युद्धबंदी बनाए गए थे युद्ध में एक दूसरे के, उनको रिहा कर दिया जाएगा। तीसरा ये हो गया कि अगर भविष्य में आवश्यकता होने पर, ठीक है, अंग्रेज मैसूर राज्य की सहायता करेंगे, ये संधि में हुआ था। ठीक है, और इस संधि के साथ युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। और इस संधि के विषय में, मंगलौर की संधि के विषय में एक स्टेटमेंट है किसका, वॉरेन हेस्टिंग्स का, वॉरेन हेस्टिंग्स का। वॉरेन हेस्टिंग्स ने बच्चों ये बात कही थी कि लॉर्ड मैकार्टनी के बारे में इसके, ठीक है, कि जॉर्ज मैकार्टनी कैसा व्यक्ति है, मुझे लगता है कि यह इस संधि के द्वारा कर्नाटक राज्य को अपने हाथ से निकाल देगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट था वॉरेन हेस्टिंग्स का जॉर्ज मैकार्टनी के विषय में। ठीक है, तो बच्चों ये हुआ हमारा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा आज का था जो संपन्न हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा युद्ध पढ़ेंगे, तृतीय अंगल मैसूर युद्ध, उसके बाद पढ़ेंगे चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध, देन हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम एक कोई नया राज्य स्टार्ट करेंगे, आई थिंक बंगाल पढ़ सकते हैं, या आपका बंगाल या पंजाब, जो भी चाहें वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और जब चीज़ें समझ में आई होंगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आप भी एग्जाम में बहुत अच्छे से करेंगे। इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं, सबसे ज़्यादा फेवरेट प्रश्न ये पूछता है कि किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, किस वर्ष हुआ था। ठीक है, और इस पोर्टो नोवा युद्ध में
ब्रिटिश नेतृत्व किसने करा था ये पूछेगा आपसे, या पूछता है पोर्टोनोवा युद्ध किस युद्ध का भाग है ये पूछेगा आपसे, ठीक है, या पूछेगा हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी ये पूछ सकता है आपसे, बहुत सारी बातें इसके विषय में आपसे पूछी जा सकती हैं। जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये सारा का सारा सेक्शन मैंने आपका कवर किया है, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये सब थोड़ा सा कर दीजिएगा, इस सब करने से थोड़ा अच्छा लगता है ना, मोटिवेटेड कहीं मिलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।